नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बुद्धि, व्यापार और धन के कारक बुधदेव 7 मार्च 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो इसका वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए, 7 मार्च 2024 की सुबह है, 9:21 पर बुधदेव कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की राशि जल तत्वी राशि मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 26 मार्च 2024 तक बुध मीन राशि में ही गोचर करने वाले हैं। बुध की बदल रही चाल जहां समस्त 12 राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव डालने वाली है, वहीं बुध अपनी नीच राशि में इस समयावधि में मौजूद होकर सूर्य के साथ और शुक्र के साथ युति भी बनाएंगे, तो इसका वृषभ राशि के जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। ये फलादेश आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। वृषभ राशि वाले जातकों, बुध महाराज आपके राशि के धन भाव और आपके संतान भाव के स्वामी माने जाते हैं और ज्योतिष शास्त्र में बुध को मिथुन और कन्या राशि का स्वामी भी माना जाता है। वृषभ राशि वाले जातकों, बुध को वाणी, बुद्धि, तर्क शक्ति, संवाद शैली, गणित, चतुराई और मामा पक्ष का कारक भी माना जाता है। इन सभी चीजों पर बुध का ही आधिपत्य होता है। कुंडली पर बुध का बलवान प्रभाव जीवन में कई प्रकार की सफलता भी जीवन में दिलवाता है। बुध अगर कुंडली पर मजबूत होते हैं तो जातक बौद्धिक रूप से काफी कुशाग्र होता है। ऐसे व्यक्ति को गणित जैसे विषयों को सीखने में काफी आसानी होती है। बुध का बलि प्रभाव व्यापारिक स्रोतों में जबरदस्त सफलता दिलवाता है, वहीं वाणी से जुड़े हुए कामों में विशेष उन्नति दिलवाता है। कुंडली पर पीड़ित बुध का प्रभाव कई प्रकार की समस्याओं को भी जीवन में देता है। जब बुध खराब अवस्था में विराजित होते हैं तो मन में भ्रम की स्थिति बनती है, डिसीजन हमेशा गलत होते हैं, नाक कान गले से जुड़ी हुई समस्याएं और आर्थिक संकटों का सामना जीवन में करना पड़ता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव मिल सकता है। वृषभ राशि वाले जातकों, 7 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच में बुध देव की जो अवस्था है वो आपके राशि के एकादश भाव में रहने वाली है। कुंडली के 11वें भाव से लाभ के बारे में, मनोकामनाओं की पूर्ति के बारे में, बड़े भाई के बारे में विचार किया जाता है। आपके एकादश भाव में बुध देव प्रभावी होंगे तो 7 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में देव गुरु के नक्षत्रों में रहेंगे, ये आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। और 9 तारीख से लेकर 19 तारीख के बीच में बुध देव शुक्र के शनिदेव के नक्षत्रों में प्रभावी रहने वाले हैं, तो इसका वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत ही बेहतरीन प्रभाव आपको मिलने वाला है। सबसे पहले तो वृषभ राशि वाले ऐसे जातक जिनका कार्य व्यवसाय वर्तमान में बहुराष्ट्रीय कंपनियों से जुड़ा हुआ है या विदेशों में रहकर यदि आप कोई कार्य व्यवसाय संचालित कर रहे हैं, बुधदेव आपको आसानी से जीवन में बड़ी सफलता इस समयावधि में आपको देने वाले हैं। एकादश भाव पर बुध का प्रभाव होगा तो वर्तमान समय में यदि आप बुध जनित क्षेत्रों में काम करते हैं, लेखन, पत्रकारिता, वकालत, मीडिया लाइन या वर्तमान में यदि आप कोचिंग सेंटर चलाने का काम करते हैं, किसी प्रकार का यदि आप व्यापार करते हैं, तो यह समय आपको अच्छे शानदार अवसरों को देने वाला है। व्यक्तिगत जीवन में वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में आर्थिक उन्नति और धन के मामले में विशेष सफलता आपको मिलने वाली है। इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ने जा रहा है और भरपूर मान सम्मान भरी स्थिति आपको देखने के लिए मिल सकती है।
वर्तमान में शनिदेव के नक्षत्रों में बुध का गोचर 9 तारीख से लेकर 19 तारीख के बीच में रहेगा और शनि आपके कर्म भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो कर्म क्षेत्र के सिलसिले में यदि आप शनि जन्य क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, लकड़ी से जुड़ा हुआ यदि आप कोई कार्य करते हैं, उसमें आपको सफलता आसानी से देखने के लिए मिल सकती है। इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को जो बुध की दृष्टि है वो आपकी राशि के पंचम भाव पर जाएगी। जो जातक शिक्षा के क्षेत्रों में जुड़कर पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में सकारात्मकता बढ़ने वाली है। शिक्षण संस्थान में यदि आप किसी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको सफलता आसानी से मिल सकती है। उसके साथ साथ वृषभ राशि वाले जातकों को एकादश भाव पर बुध की गोचरी अवस्था है, तो इस समयावधि में जीवन शैली को सुधार कर आपको जरूर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। खान पान की आदत का आपको विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। खासतौर से वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों का यदि आप सेवन करने से बचते हैं तो यह समय आपको काफी शुभता देने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि के जातकों को बेहतर लगी। यदि आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, बुध जनित दुष्प्रभावों को जीवन से दूर करने के लिए गौशाले में जाकर गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ यदि आप प्रत्येक बुधवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो आपको काफी शुभता आसानी से मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।